हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बाइटू स्टूडियो से अपने इंस्टाग्राम की लिंक कैसे डाल सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपको क्रोम ब्राउजर में जाना पड़ता था और वहां पर क्रिएटर स्टूडियो ओपन करके आप इंस्टाग्राम की लिंक डाल सकते थे, लेकिन अब आप बाइटू स्टूडियो से अपने इंस्टाग्राम की लिंक यूट्यूब में डाल सकते हैं। तो आप कैसे बाइटू स्टूडियो से इंस्टाग्राम की लिंक डाल सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम की लिंक कॉपी कर लेना है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ और इंस्टाग्राम ओपन करता हूँ। इंस्टाग्राम ओपन होने के बाद यहाँ नीचे आपके चैनल का आइकन है, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर आपको एक एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप क्या करेंगे कि जो यूजर नेम लिखा है ना, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जो यूजर नेम है ना, इसी को आपको कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे कि बाइटू स्टूडियो में जाएंगे, यहाँ से बैक कर देते हैं और बाइटू स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। यहाँ ऊपर आपके चैनल का आइकन दिख रहा होगा, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। अब ये देखिए यहाँ एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है ना, तो पेंसिल का आइकन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सबसे नीचे यहाँ लिंक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पेंसिल के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा सर्च होगा, उसके बाद ये इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पर आपको नीचे ऐड का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो प्लस ऐड पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर आप फेसबुक की लिंक देना चाहते हैं तो टाइटल में फेसबुक लिख देंगे, अगर इंस्टाग्राम की देना चाहते हैं तो यहाँ इंस्टाग्राम लिख देंगे। तो मैं यहाँ इंस्टाग्राम लिख देता हूँ, इंस्टाग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐड यूआरएल पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आपको लिखना है instagram.com/, फिर जो आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद यहाँ से आपको डन कर देना है। इसके बाद यहाँ सेव पर क्लिक कर देंगे तो आपकी इंस्टाग्राम की लिंक यहाँ पर लग जाएगी। अगर आप फेसबुक की लिंक भी देना चाहते हैं तो यहाँ पेंसिल के आइकन पर क्लिक करके यहाँ प्लस एड पर क्लिक करके आप यहाँ पर फेसबुक की लिंक भी दे सकते हैं। यहाँ टाइटल में फेसबुक लिख देंगे और यहाँ नीचे फेसबुक की लिंक दे देंगे। तो इसी तरह आप बाइटू स्टूडियो में इंस्टाग्राम की लिंक दे सकते हैं और ये आपके वीडियो में, मतलब कि आपके चैनल में आ जाएगी अपने आप। अब मैं आपको यूट्यूब में चल के दिखाता हूँ कि इंस्टाग्राम की लिंक लगी है या नहीं लगी है। तो यहाँ से बैक करता हूँ और यूट्यूब में जाता हूँ। ये मैंने अपना चैनल ओपन कर लिया है और यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक लग चुकी है। इसी तरह आप भी इंस्टाग्राम की लिंक लगा सकते हैं बाइटू स्टूडियो से। और एक बात, और मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें ये बताया है कि जो बाइटू स्टूडियो में प्लस का आइकन दिख रहा है ना, तो इस पर क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं। तो अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा, और जो ये वीडियो दिख रहा है ना, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो आपको अच्छा भी लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा ना, तो अपने भाई के चैनल टेक्निकल रत्नाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।